सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस है प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बी फोर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म आती थी, ठीक है, इसमें थर्ड प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट उसके बाद बिलियस है, उसके बाद है, उसके बाद बी थ्री, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर है तो, ऑब्जेक्ट अगर है तो, फिर बी फोर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नियम पूरा लिख दिया, जो चीज सेंटेंस में है वो लगेगी और नहीं उनकी बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक के आने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा। अब ये है, अध्यापक के आने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, रूल वही है, पूर्व लिखा हुआ है सेंटेंस, मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, आई said have reached to school, उसके बाद लगाओ before, ठीक, before लगा दिया, before के बाद अध्यापक के आने से, the teacher comes लगेगा इसमें, क्योंकि यहां पे टीचर एक वचन है, तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, यानी कि इस रूल में जो बिफोर के बाद वाला है सब्जेक्ट प्लस बी वन, यहां पर कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखो, विजय के घर पहुंचने से पूर्व पिताजी दिल्ली जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। इसमें देखो, विजय के घर पहुंचने से पूर्व पिताजी दिल्ली जा चुके होंगे, तो वही बात वहीं से पकड़ो, जैसे यह पकड़ा वैसे इसको पकड़ो, इधर वाला सेंटेंस, इधर वाला सेंटेंस, पिताजी दिल्ली जा चुके होंगे, पहले ये बना लो, फादर विल हैव रीच्ड कहां के लिए, टू दिल्ली, दिल्ली बिफोर पिता विजय के घर पहुंचे, बिफोर विजय रीचेस होम, इस तरीके से। अब देखो इसमें, देखो इस रूल के साथ देखिए, सब्जेक्ट आ गया फादर, इधर देखो ध्यान से, बिल या सेल में से एक आ गया, ठीक है, हैव आ गया, ओके, बी थ्री आ गया, टू डेली ऑब्जेक्ट है तो ये आ गया, उसके बाद बी फोर है क्योंकि अदर वर्ड है नहीं, इसमें अदर वर्ड है नहीं तो छोड़ दो, बिफोर आ गया तो बिफोर आ गया था, उसके बाद सब्जेक्ट, विजय सब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे बी वन है, रीच बी वन है, ऑब्जेक्ट है कहाँ गया, होम घर को, अदर वर्ड इसमें भी नहीं है,
समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट कर लो।